हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड फोर सेमेस्टर का जो पवन सीरीज हो जाती है उसके अति लघु त्रय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट फोर है। उससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। रक्त की संरचना बताइए। तो रक्त की संरचना दो तत्वों के सम्मिलन से होती है, रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा। इसमें समझ लेते हैं, जो एंटीजन होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी जैसे प्रोटीन के आधार पर विभिन्न रक्त समूह बनते हैं। मानव रक्त के, जो मानव में रक्त होता है उसके चार मुख्य समूह होते हैं। कौन कौन से समूह होते हैं? तो ए हो जाता है, ए समूह हो जाता है, बी समूह हो जाता है, ए और बी समूह हो जाते हैं, और इसमें ओ। अब देखिए, ये चार तरह के समूह हो गए। ये ए अलग हो जाता है, बी अलग हो जाता है, ए और बी अलग हो जाता है, और ये ओ हो जाता है। इसमें समझ लेते हैं, देखिए जो आपका ओ रक्त समूह हो जाता है ये क्या है? तो ओ रक्त समूह जो है वो सार्वभौमिक दाता है, यानी ये जिसके रक्त हो, यानी ओ ग्रुप जिसका है वो सभी को रक्त दे सकता है। तो भाई जिसके जिसका हो रक्त ओ ग्रुप, और अगर कोई परेशान है, किसी को चाहिए, तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन मौजूद नहीं होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी दोनों के एंटीबॉडी होते हैं। अगर देखिए, अगर एंटीबॉडी दोनों के ना हो तो ये किसी को रक्त नहीं दे पाएगा, है ना? तो इस तरह से ओ ग्रुप हो जाता है। और इसमें प्लाज्मा और कोशिकाएं रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं। इसके घटक कौन होते हैं? तो प्लाज्मा और कोशिकाएं हो जाती हैं। तो देखिए, आपके रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं आप कह सकते हैं, और रुधिर प्लाज्मा, ये दो हो जाते हैं। रक्त वर्ग की जानकारी करने के कोई दो लाभ बताएं। तो इसमें आप समझ लें, इसमें देखिए दो लाभ हो जाते हैं। रुधिर वर्ग की जानकारी से निम्नलिखित लाभ है। मरीज को यदि गलत वर्ग का रुधिर दे दिया जाएगा तो उसके रक्त में अभिश्लेषण क्रिया होने से मृत्यु हो जाएगी। चिकित्सा कानून के मुकदमे में न्यायालय को बहुत सहायता मिलती है। इसकी सहायता से पेत्रक झगड़े आसानी से निपटाए जा सकते हैं। यानी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो हो जाता है, इसको समझ लेते हैं कि मरीज को यदि गलत वर्ग का रुधिर दे दिया जाए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ए और देखिए बी हो जाता है, ए बी हो जाता है और ओ हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ए ग्रुप का कोई बंदा है तो उसको बी ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो क्या होता है, उसके जो उसके ब्लड में अभिश्लेषण क्रिया होने से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है, जिसका ब्लड ग्रुप जो होता है वही ब्लड ग्रुप, वही ब्लड दिया जाता है, लेकिन जिसका ओ होता है वो सभी को दे सकता है, यानी वो सर्व दाता होता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। तो आप सभी को पता है, रुधिर यानी ब्लड एक तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो एक तरल पदार्थ होता है, क्योंकि ये देखिए पतला होता है ना। अगर जैसे कभी चोट लग जाती है तो बहने लगता है, अगर पतला ना हो तो बहे कैसे? तो ये एक तरल पदार्थ हो जाता है। और इसको समझ लेते हैं, समस्त कशेरुकी प्राणियों के शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के नियमन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका की तरह तरह के पदार्थ घुलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में शरीर का नलिका विहीन ग्रंथियों में उत्पन्न रस हार्मोन भी सीधे आते हैं, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता रहता है तथा शारीरिक नियंत्रण बना रहता है। यानी देखिए क्या है कि रुधिर कैसा है, तो रुधिर एक यानी ब्लड ब्लड जो है वो कैसा है, तो एक तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो तरल पदार्थ है, जिसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं?
तो दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, द्रव्य भाग को क्या कहा जाता है? तो द्रव्य भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, और ठोस भाग को क्या कहा जाता है? तो ठोस भाग को देखिए आपका हो जाता है कोशिकाओं का बना होता है। जो ठोस भाग होता है ये किसका बना होता है? तो ये कोशिकाओं का बना होता है। तो इस तरह से आप लोग चीजों को याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका, मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के रक्त को जमने में 4 से 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? तो 4 से 8 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन हो जाता है, रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने कब की थी? देखिए क्या कह रहे हैं कि वर्ग रक्त की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1868 से 1943 ने की थी, यानी इन्होंने की थी। इनका टाइम इतना था, इनका टाइम पीरियड है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, रक्त की कमी एवं संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं बताइए? तो रक्त की कमी या रक्त में असामान्यता होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, पॉलीथाइसीनिया आदि। कौन कौन से? तो एनीमिया, पॉलीथाइसीनिया। इसी प्रकार रुधिर संक्रमण से होने वाले कुछ रोग है, जैसे हेपेटाइटिस बी, एड्स आदि हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लोहहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताएं। तो महिलाओं में, यानी महिलाओं में रोग के परिणाम स्वरूप बार बार गर्भपात एवं बिना अधिक अंतर के कई बच्चे पैदा होना महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खून की कमी वाले बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सक्रिय होते हैं। यदि खून की कमी का रूप गंभीर हो तो चेहरे एवं पांवों पर सूजन आ सकती है। तो अगर अगर किसी में लोहहीन हो, यानी लोहहीन रक्त अल्पता हो, तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें आयरन से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, जैसे आपका जैसे पालक हो जाती है, गुड़ हो जाता है, ये सब चीज़ें, हरी सब्जी आप खाएं। तो इससे क्या होता है, ये जो लोहहीन रक्त अल्पता होती है तो इससे आपको निजात मिलती है, यानी छुटकारा मिलता है। क्वेश्चन हो जाता है, थैलेसीमिया रोग के परिणाम बताएं। तो इस रोग के लक्षण जितनी कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोग की घातकता भी उतनी ही अधिक परिलक्षित होती है। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते हैं। खून की कमी और लाल रक्त कणिकाओं के विनाश के कारण बालक का विकास रुक जाता है, अस्थियां भी भंगुर हो जाती। ये सभी स्थितियां रोगी को कम उम्र में व अकाल मौत के मुँह में धकेल देती हैं। थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बीमार की मृत्यु 5 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र में हो जाती है। क्वेश्चन हो जाता है, कड़ी श्वेत कोशिका हीनता रोग का कारण बताइए। तो अस्थि मज्जा का किसी कारणवश गर्त होना ही इसका मुख्य कारण है। एड्स का पता कैसे लगाया जाता है? तो एलिसा परीक्षण एक होता है, एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। अगर बात कर लें तो एड्स एचआईवी का पता 1981 ईस्वी में, कब? तो 1981 ईस्वी में ही चल गया था। लेकिन भारत में इसका पहला मामला कब आया था? तो भारत में इसका पहला मामला 1986 ईस्वी में सामने आया था। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एड्स का क्या तात्पर्य? यह एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का संक्षिप्तीकरण है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? अगर फुल फॉर्म आता है तो आप लोग ये लिखिएगा, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है एड्स का क्या तात्पर्य है, तब भी आप इसका आंसर यही लिखिएगा। क्वेश्चन है, एचआईवी की रोगजनकता पर टिप्पणी लिखिए। एचआईवी के लक्ष्य कोशिकाएं मुख्यतः T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं, अर्थात एचआईवी मुख्य रूप से T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है। इन T4 लिम्फोसाइट्स में पहुंचने के बाद वायरस के आवरण तथा प्रोटीन खोल का अपघटन हो जाता है। इसके बाद वायरस का प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्ट
टीज एंजाइम इनके आरएनए का सूत्र डीएनए के एक सूत्र में परिवर्तन उत्प्रेरित करता है। अब यही एंजाइम डीएनए के सूत्र का द्विसूत्रीय डीएनए अणु में परिवर्तन का उत्प्रेक्षण करता है। यह द्विसूत्रीय डीएनए अणु पूर्व वायरस के रूप में पोषण कोशिकाओं T4 लिम्फोसाइट्स के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है। अंततः संक्रमित T4 लिम्फोसाइट्स अपघटित हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति की प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होती जाती है। क्वेश्चन है, एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षण HIV पॉजिटिव व्यक्ति का पता लगाना, इसके लिए सामान्यतः दो जांच एलिसा एवं वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं। देखिए, एलिसा परीक्षण किया जाता है और वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं। वायरस को अलग कर पता लगाया जाता है म्यूरेक्स एड्स HIV-1 परीक्षण और संपूर्ण कोशिका T4 कोशिका T8 कोशिका की गणना करना टिम्फोसाइट्स की स्थिति का पता लगाने हेतु। हेपेटाइटिस बी का उद्भव काल कितना है? तो इसका उद्भव काल 2 से 5 माह है। हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस रोग से मनुष्य का यकृत खराब हो जाता है। किससे? तो हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो यकृत हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिटकरी का क्या उपयोग है? तो फिटकरी रक्त का बहना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और इसका देखिए जो रासायनिक नाम हो जाता है, यानी फिटकरी का जो रासायनिक नाम हो जाता है वो पोटाश एलम हो जाता है। और इसका देखिए सूत्र हो जाता है KAL और SO4 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका हो जाता है, फर्स्ट एंड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्रियों के नाम बताइए। तो इसमें रुई हो जाती, पट्टियां हो जाती हैं, कैची और डिटॉल एवं लोशन आदि। यानी फर्स्ट एंड बॉक्स का मतलब क्या होता है? जैसे घर पर आपको चोट लग गई और आपने प्रथम उपचार किया, अब प्रथम उपचार के लिए आपको कुछ तो आवश्यकता होगी, यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ आप उपचार करेंगे। तो जैसे आपका ब्लड बहने लगा, किसी का भी जैसे ब्लड बह रहा है, तो आप क्या करेंगे? रुई से उसको पोछेंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, पट्टियां बांधेंगे और पट्टी को काटने के लिए कैंची की जरूरत पड़ती है और डिटॉल एवं लोशन से उस घाव को साफ करेंगे। तो इसलिए आपके जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में इतना सामान होना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताओ। तो सबसे पहले पीड़ित की श्वास वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए यदि अवरुद्ध हो तो। इसके बाद जहां जहां रक्त स्त्राव हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे किसी के चोट लग गई है और उसके ब्लड निकल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्राथमिक उपचार में आपको उस ब्लड को रोकना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाने से पहले या डॉक्टर को बुलाने से पहले अगर ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो इसके लिए प्राथमिक उपचार किए जाते हैं, ब्लड को रोकने की कोशिश की जाती है और उसको रोका जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। और अगर श्वास नहीं थम रही है, जैसे किसी के होते हैं कि श्वास नहीं थम रही है, तो उसके लिए भी उपचार किया जाता है, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाया जाता है। क्वेश्चन हो जाता है, कुछ घरेलू औषधियों के नाम बताओ। तो फिटकरी, आयोडेक्स, बोरिक पाउडर, ग्लूकोज, नौसादर आदि हो जाते हैं। यानी जैसे कि घर में आप रात में मान लीजिए बहुत ज़्यादा रात हो गई है और तबीयत एकदम से अचानक से ख़राब हो जाती है, तो क्या कुछ चीज़ें घर में होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए जिससे आप प्राथमिक उपचार कर पाएँ। तो कुछ औषधि भी ऐसी, जैसे कुछ टैबलेट्स भी घर में रखी रहती हैं कि सिर में अगर प्रॉब्लम होने लगेगी तो ये टैबलेट यूज़ कर लेंगे, है ना। और अगर घाव हो जाए या किसी जैसे भाई कट भी इंसान सकता है, गिर के चोट भी लग सकती है, तो इस तरह से इन फिटकरी का भी यूज़ मतलब करना चाहिए और फिटकरी भी घर में होनी चाहिए। प्लस आयोडेक्स तो वो हर वक्त सभी के घर में अवेलेबल रहता है, क्योंकि अगर थोड़े से जोड़ों में दर्द होने लगे कहीं पे तो आप उसका यूज़ कर लें, है ना। ग्लूकोज हो जाता है तो वो भी घर में रहता है, अवेलेबल रहता है। तो ये कुछ औषधियों के नाम हो जाते हैं जो हर वक्त घर में अवेलेबल होनी चाहिए।
क्वेश्चन हो जाता है किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है। तो दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि अगर किसी को चोट लग जाए, वो घायल हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए और उसके बाद उसको अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए, है ना। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर उसको ब्लड निकल रहा है, किसी के चोट लग गई और ब्लड निकल रहा है, तो उसको आप पहले रोकें, उसका रोकथाम करें, उसका प्राथमिक उपचार करें और उसके बाद आप डॉक्टर के पास उसको लेके जाएं। क्वेश्चन हो जाता है किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। तो कुत्ते के काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पोंछ दें। घाव को साबुन और पानी से कई बार अच्छी तरह धोएं, फिर घाव को एक सूखी निर्जमित ड्रेसिंग से भली भांति पोंछ कर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें। काटने के बाद 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह ना लगाएं, मरीज को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि सबसे पहले अगर कुत्ता जैसे काट लेता है तो सबसे पहले तो उसकी लार को पोंछ देना चाहिए और घाव जो हो जाए जहाँ पे उसने काटा है तो उसको साबुन से और पानी से कई बार अच्छी तरह से धोएं जिससे उसके कोई भी कण रह ना जाए और उसके बाद आप उपचार करें और उसको तुरंत से क्या करें डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं। यानी काटने के लगभग 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह ना लगाएं, ऐसा कोई भी चीज़ मतलब ऐसी कोई भी चीज़ यूज ना करें। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे। मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति का क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। तो मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को निम्न प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मुंह से निकलने वाला झाग पोंछ दें। हाथ पर झटकने की दशा में ध्यान रखें कि किसी चीज में उसका कोई अंग जख्मी तो नहीं हो पाए। अगर उसके मुंह में नकली दांत हो और निकलना संभव ना हो तो निकाल, यानी जैसे कुछ लोग होते नहीं है जिनके मुंह में नकली दांत होते हैं, अगर वो निकलना संभव हो तो निकाल दें उनको। और पास की खतरनाक वस्तु जैसे आग, पानी तथा चलती मशीन से बचाव करना चाहिए। दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति को करवट से लिटाए। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको सेशन कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।